हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी खबर हम जानकारी देते हैं। G20 से एन पहले प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा है। आज इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पूर्वी एशिया समिट में भी होंगे शामिल। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा को भारतीय राजदूत ने महत्वपूर्ण करार दिया है। राजदूत ने कहा कि इस यात्रा के जरिए वैश्विक पटल पर संदेश जाएगा कि भारत अपने क्षेत्र और आसियान केंद्रीयता को कितना महत्व देता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप दौरे पर रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूरोपीय संघ के वकीलों से करेंगे मुलाकात, छात्रों और भारतीय प्रवासियों से भी होगी मुलाकात। राहुल गांधी कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक हफ्ते के लिए यूरोप रवाना हो गए हैं। अपने यूरोप यात्रा के दौरान राहुल गांधी यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। राहुल 8 सितंबर को पेरिस के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस के श्रमिक संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेने वाले हैं। पेरिस के बाद राहुल गांधी नॉर्वे का दौरा करेंगे। 10 सितंबर को ओस्लो में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं। मिशन राजस्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष आज भीलवाड़ा का रुख करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनावों को लेकर के माहौल पूरा राजनीतिक हो चला है। एक तरफ जहां बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा चला रही है, तो वहीं बीजेपी के सभी दिग्गज नेता राजस्थान में डटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में भीलवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। कांग्रेस को लगातार प्रयास ग्राउंड जीरो पर एक्टिव करने का कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे में किसानों को संबोधित करेंगे। दुग्ध उत्पादक संघ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं खड़गे। भीलवाड़ा में कांग्रेस पूरे प्रदेश के किसानों तक एक संदेश देने की तैयारी में है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में यह कार्यक्रम होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इंदौर दौरा है। जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं गडकरी। 42 सीटों से होकर यह यात्रा गुजरने वाली है। 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इंदौर दौरा है। जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी नितिन गडकरी दिखाने वाले हैं। इस दौरान 42 विधानसभा और 2000 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करने वाली है। जन आशीर्वाद यानी कि जनता का आशीर्वाद। बीजेपी लगातार ग्राउंड जीरो पर अगर बात की जाए, विशेषकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन चार राज्यों में, चुनावी राज्यों में एक्टिव मोड में नजर आती है। यही वजह है कि लगातार दौरों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में नितिन गडकरी इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने के साथ ही लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि ये जन आशीर्वाद यात्रा 42 विधानसभा सीटों से होकर के गुजरेगी। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान ये जन आशीर्वाद यात्रा 2000 किलोमीटर का दायरा तय करने वाली है। बाराबंकी से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। डिरेल हो गई है मालगाड़ी, मौके पर राहत बचाव कार्य है जारी। फैजाबाद से आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बाराबंकी में मालगाड़ी के डिरेल होने की खबर है।
फैजाबाद से आने वाली कई ट्रेनें इस ट्रेन के डिरेल हो जाने की वजह से प्रभावित हो गई हैं। हालांकि ये गाड़ी मालगाड़ी बताई जा रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मालगाड़ी डिरेल हुई है, बाराबंकी जंक्शन का ये मामला जहां पर मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिसकी वजह से रेल यातायात की बात करें तो बुरी तरीके से प्रभावित बताया जा रहा है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ है जहां पर मालगाड़ी डिरेल हो गई। मौके की अगर बात की जाए तो मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है लगातार। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां पर बौद्ध स्थली की बिजली बाधित होने पर विधायक को गुस्सा आ गया और विधायक ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को कहीं और जगह तबादला करवा लेने की नसीहत दे डाली। दरअसल कुशीनगर बौद्ध स्थली पर दो दिनों से बिजली गुल चल रही है, जिसके बाद बिजली गुल होने की शिकायत मिलने पर विधायक पीएन पाठक पहुंचे और विधायक पीएन पाठक ने जेई को व्यवहार में सुधार करने की सख्त हिदायत देने के साथ साथ ट्रांसफर करवा लेने की बात भी कही है, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो वही बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा के दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। उन्होंने विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मंत्री उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर दिए गए बयान को गलत बताते हुए कहा कि इस बयान को लेकर कांग्रेस ने भी अभी तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, स्टेटमेंट नहीं दिया है। स्टालिन के बेटे को स्टेटमेंट आइसोलेशन स्टेटमेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। साथ ही जोशी ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन के नेता पहले भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। तो प्रहलाद जोशी लगातार स्टालिन पर इस दौरान निशाना साधते नजर आए और इस दौरान उन्होंने INDIA गठबंधन को भी निशाने पर लिया है। गुजरात से खबर है जहां पर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपए के साथ भारी मात्रा में शराब जब्त की है। देवदार प्रांतीय अधिकारी VN सरवैया की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की ये तस्वीरें हैं जहां पर 18 लाख रुपए और शराब बरामद की गई थी। जो शराब बरामद की गई है उसको नष्ट किया जा रहा है, बुलडोजर के जरिए शराब नष्ट की गई है। गुजरात के दियोदर की घटना जहां पर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपए की भारी मात्रा में शराब बरामद करी है। प्रांतीय अधिकारी VN सरवैया की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। जो तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, बुलडोजर के जरिए शराब को नष्ट किया गया है। ब्राजील में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई हुई है।
तूफान के साथ बाढ़ बारिश का कहर भी जारी है। बाढ़ से करीबन 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, ब्राजील से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ से करीबन 21 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ब्राजील में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान के साथ बाढ़ बारिश का कहर भी बदस्तूर जारी है। तो खबर ब्राजील से, जहां पर चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, तूफान के साथ बाढ़ बारिश का कहर भी जारी है और तबाही का मंजर कुछ इस तरह का है कि सोचिए 21 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि बाढ़ से करीबन 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इस सम्मेलन के लिए जहां एक तरफ दिल्ली को सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सुरक्षित किले में तब्दील की जा रही है। G20 के दौरान कई सड़कें बंद रहेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो वहीं कई मेट्रो स्टेशन के गेट भी 8 से 10 सितंबर तक VVIP मूवमेंट की वजह से बंद रहने वाले हैं। तो सच गई है दिल्ली, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम, भारत मेजबानी के लिए है तैयार। आपको बता दें कि महाशक्तियों का स्वागत होने वाला है और कौन कहां रुकेगा ये भी जानना आपके लिए जरूरी। चीन ब्राजील के डेलीगेशन की बात करें तो होटल ताज में रुकेंगे, ब्रिटेन जर्मनी का डेलीगेशन शंग्रीला में रुकने वाला है, इटली सिंगापुर का डेलीगेशन हयात में रुकेगा। तो वहीं कनाडा और जापान के डेलीगेट्स की बात करें तो होटल ललित में रुकने वाले हैं। तुर्की का डेलीगेशन ओबराय होटल में रुकेगा। मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, स्पेन का डेलीगेशन ली मैरिडियन होटल में स्टे करने वाला है। फ्रांस के डेलीगेशन की बात करें तो क्लारिजेस होटल में रुकने वाला है फ्रांस का डेलीगेशन। ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स इंपीरियल में रुकेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत दौरा, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल दिल्ली आएंगे जो बाइडेन, G20 सम्मेलन में शामिल होंगे, पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। शिखर सम्मेलन से पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, ये जानकारी व्हाइट हाउस ने साझा की है। बाइडेन 7 सितंबर को नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बताया है कि राष्ट्रपति G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत में नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने वाले हैं। शनिवार को, रविवार को राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक सत्र में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन इससे पहले जब कल बाइडेन पहुंच जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, बात होगी, मुलाकात होगी
और मुलाकात और बात के बाद कई रास्ते भी खुलते हैं। मराठा आरक्षण से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज होगी राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक। मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर के होने वाली है चर्चा। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो मराठा आरक्षण को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है, ऐसे में एक बार बैठक सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की अध्यक्षता में हो चुकी है। अब मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या का मामला है। आज सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलेगा। मंत्री के बेटे की पिस्तौल से हुई थी विनय की हत्या। उपाध्यक्ष सीएल वर्मा के नेतृत्व में जाएगा डेलीगेशन। सोनू कनौजिया, जयसिंह जयंत, जीतू रावत साथ होंगे।